हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब ये है कि आज संडे है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज डे स्टार्ट होने में हमारे, क्योंकि वैसे तो ऐसा हो चुका था डे स्टार्ट, फाइज को कहीं काम से जाना था एज़ यूजुअल, वो काम पे गए हुए हैं, कहीं किसी काम से गए हुए हैं और मैं घर पे घर के काम वाम निपटा रही थी। अब बिल्कुल फारिग होके, अब ऑलमोस्ट मगरिब हो चुकी है, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, मैं बिल्कुल फारिग फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैं ये सोच रही थी कि घर के तो मैंने सारे काम कर लिए, तो चलो ज़रा थोड़ा सा कैमरा उठाएं, वीडियो वीडियो शूट करते हैं कि आज कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहुत ही रैंडम और बोरिंग सा संडे अभी तक तो फ़िलहाल। अब यह है कि अभी फ़िलहाल मैं बैठ रही थी कि कुछ मुझे कॉलेज का काम है, लेसन प्लान्स फाइनल करने हैं, कुछ नोट्स बनाने थे, तो जब तक फाइज नहीं आ रहे थे मैंने कहा इस काम को हम इसीलिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो फिर मैं नोट्स बनाती हूँ उसके पास, देखते हैं कि फाइज कब आते हैं और क्या होता है आगे। एक घंटा लगा के मेरे तो भाई नोट्स वगैरह बन गए, सब हो गया, लेकिन अभी तक फाइज का कुछ नहीं पता। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक तो फिलहाल। अब यही है, वेट करते वेट करते वेट करते, 7 बज चुके हैं, देखें कब तक वेट करते हैं। 2000 years later. ये 8:30 बजे संडे को अब आएंगे, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो ये जाके छुप गए। तो क्या काम नहीं करें, फिर बाइक सही करवा के रखवा देते। हाँ, बाइक का काम, एक और पर्सनल काम। हाँ, सारे पर्सनल काम है आपके। बाइक तो करवानी है ना, सही है, खराब पड़ी थी। हाँ, खराब चल रही थी, पड़ी नहीं थी। यार अब 8:30 हो रहे हैं, चलें कहीं, देखते हैं अभी। चलें शावर ले लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हादरा, धूल मट्टी बहुत उड़ रही है आज। हैं बाहर ऐसा हो रहा है, मतलब है तो गर्मी लेकिन धूल मट्टी तो हवा के साथ उड़ी रही है ना, तो हालत तो बुरी होगी जैसे दिख रही है। 8:30 तो हो चुके हैं, अब कुछ पता तो है नहीं कि कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आज कुछ पकाया है नहीं, तो खाना तो बाहर ही खाना है, तो बस इसलिए लेंस वेंस कुछ भी नहीं लगा रही, वैसे ही डिनर पे ही जाना है और कोई बहुत उस पे नहीं जा रहे फॉर्मल पे, और जब बिल्कुल भी मेरा मेकअप करने का दिल नहीं चाहता तो बस फिर एक ही हर्ब है, ये लगाओ रेड लिप कलर, और आप लगता है कि जैसे पूरे जहाँ का मेकअप कर लिया है तैयार हो गए हैं पूरा पूरा। तो कभी मैंने वो फेस वॉश किया था अपना, और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था, और अभी लगा दिया आज। डन, अब मैं लगूंगी कि बिल्कुल तैयार हूँ। ये देखें, अब मैंने कुछ भी नहीं किया फिलहाल, बस मुंह धुला हुआ है, मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, और बस लिप कलर लगा लिया, इयररिंग्स वगैरह भी कुछ नहीं मिलने, बस ऐसे क्या करना हो, रात हो गई, फिर सुबह कॉलेज जाना ही है, बस जाना है, खाना खाना है और आ जाना है। ये होता है रेड लिप कलर से, जब भी मेरा कभी मेकअप करने का मूड नहीं होता और ऐसा ही निकलना होता है और जाना ऐसा होता है कि ऐसी कोई पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे और लोग बहुत अच्छे तैयार तैयार हुए हुए होंगे या घूमने के पर्पज से निकल रहे होते हैं, और तो मैं यही करती हूँ, जल्दी से उठाया ये रेड कलर लगाया एंड ऑल डन। चले निकले, कहाँ जा रहे हैं हम? पहुंच के दिखा दी, और कुछ यार लज़ानिया खिला दें, लज़ानिया खिला दें, लज़ानिया। मैं क्यों नहीं, मैं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, नहीं कोई खजाना है ही, कोई नहीं नहीं तो कौन सी बाइक चमचमा भाग गई। चलो भाई घर से निकल पड़े हैं, और फजूल में मुझ पे टिकट लग रहा है कि मैं कोई नहीं, कोई नहीं। क्या हुआ बाइक को?
क्या हो गया? वरना हमारे जो अभी भाई है ना, हाँ, वो ले रहे थे यहाँ पे कढ़ाई हुई हुई थी गोल्डन और सिल्वर कलर से, वो गोटी किनारे का। तो आपने बता दे कि 5.5 साल पहले आपकी शादी हो गई। मेरी एक हो गई है, वही काफी है। बस आप ये काम करो, ये सीट कवर चेंज कर दो, मुझे सादा सा दे दो। कह रहे ये मुझे पसंद है, मैंने कहा अपनी वाइफ पे लगा लो, पैसे मैं दूंगा। चलो भाई अब खाना खाने वहां दिखाते हैं फिर। ये पहुंचे भाई हम रियल स्पाइस, और यहाँ लग रहा है कि फ्री बट रहा है, जो कि पार्किंग नहीं है, और एज यूजुअल हमारा शीशा फिर गंदा है। कुछ भी बोल रहे हैं, शीशा हमारा गंदा ही गंदा रहता है, कितना भी हम साफ कर लें। ये तो है। भूख का आलम ये स्टेज खत्म हो चुके हैं, लदानिया की तरफ बड़ा जा चुका है। कैसा टेस्ट है? स्टेक तो बहुत ही अच्छा लगा। अब लदानिया पहले पैन से बाहर आ जाए, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या टेस्ट है। Later that same evening. काम हुआ थोड़ा सा ख़राब, अहमद इसलिए से आ गए हम अपना कार वॉश करवाने। कुछ बच्चे थे जिन्होंने के हमारी गाड़ी वॉश कर दी थी मिट्टी से, तो हमने कहा कि चलो हम चेक पोस्ट तक से फिर। ये कार वॉश बहुत अच्छा है PSO का, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये शायद 24 घंटे चलता है ये कार वॉश, तो हम 24 घंटे में कभी भी आ जाएं। इस वक्त मतलब 10:45 हो रहा है और हमें कार वॉश मिल गया, उन्होंने भाई ने हमें फौरन ही कर दिया। घर आ गए, खाना खा के, कार वॉश करा के, सब कुछ करके, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम रहमत शीरी बिल्कुल सही सलामत होते हुए गए, वरना जब मेरा पाँव टूटा था तो गए थे, या इनका हाथ टूटा था तो गए थे, वरना नहीं जाते हम, बाहर निकल जाते हैं कैंट से। लेकिन आज इतने थके हुए थे कि हमने कहा चलो वहीं चले जाते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खाना अच्छा था। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।